दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका मैं ट्रेन इंक्वायरी पर। और आज की जो ट्रेन जानकारी है वो साप्ताहिक विवेक एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर घंटे को दबा दें, ताकि सभी इन्फॉर्मेशन जो रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको समय से मिलती रहे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलने वाली साप्ताहिक 15905 15906 विवेक एक्सप्रेस के बारे में। इसके टाइम टेबल, रूट और स्टॉपेज में जो है वो कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो इसी के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। ये ट्रेन जो है, इसका जो रास्ता रहता है वो चलती है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ असम के बीच में, और रास्ता रहता है कन्याकुमारी से एर्नाकुलम, पलक्कड़, कोयम्बटूर, रोड, सलेम, रेनीगुंटा, विजयवाड़ा, राजामुंद्री, विशाखापट्टनम, खुर्दा रोड और खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, बालासोर के बाद इसका रूट चेंज किया गया। अब ये जाएगी धनकुनी, धनकुनी से आसनसोल, रामपुर हाट, मालदा टाउन, न्यू जलपाईगुड़ी, गोलपारा टाउन, गुवाहाटी, लमगिट, न्यू तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ तक जाएगी। कुछ जो चेंजेस इसमें किए गए हैं, इसमें जो पहले जो स्टॉपेज आद्रा वगैरह था उसको जो है वो हटा दिया गया, नहीं वो रास्ता ही जो है वो चेंज कर दिया गया, शॉर्ट वे से अभी जाएगी। अगर पुरानी मैं बात करूँ इसके रनिंग टाइम की, तो 82 घंटे 50 मिनट की रनिंग थी 58 होल्ट के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और डिस्टेंस थी वो 4219 किलोमीटर तय करती थी, जो लगभग अब 4150 किलोमीटर होने वाली है। रूट जो है उसका कुछ शॉर्ट किया गया है, और पहले ये चलती थी साप्ताहिक सैटरडे को नाइट में 23:05 पर डिब्रूगढ़, और बुधवार को सुबह 9:55 पर लास्ट स्टॉप यानी कन्याकुमारी पहुंचती थी। और अब मैं बात करने वाला हूं इसके कोच कंपोजिशन की, तो 21 कोच का कंप्लीट LHB रैक है, जिसमें AC 3 टायर के 4, 2 टायर का 1 पेंट्री, 11 स्लीपर, 2 जनरल कोच और 2 पावर कैबिन के जनरेटर रहते थे इसमें। तो पूरी ट्रेन जो है वो LHB रैक के साथ चलती थी। अब अगर बात करूँ इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की, तो 2 रैक थे इसमें, बताया गया कि डिफरेंट कंपोजिशन के साथ थे, और लास्ट में से लिखा गया कि विल बी परमानेंटली डाइवर्टेड बाय धनकुनी इंस्टेड ऑफ आद्रा, मिदनापुर एंड हिजली। बता दूं हिजली जो है वो खड़गपुर के बिल्कुल पास में एक स्टेशन है। विल रन डेली विद इफेक्ट फ्रॉम न्यू टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल जब भी लागू, यानी जब नए टाइम से चलेगी तो डेली चलेगी। सेकंड इसमें चेंजेस जो है, रनिंग टाइम इसका कम हो रहा है, 6.5 घंटे कम हो जाएगा, 82 घंटे 50 मिनट से अब सिर्फ 76 घंटे 30 मिनट इसका रनिंग टाइम रहेगा। एवरेज स्पीड 50 से 54 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। और अब अपने लास्ट में बात करते हैं इसके लेटर के बारे में, 1906 15906 15 डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, और कॉर्नर में राइट में लिखा है डेली। टाइमिंग जो है इसकी रहने वाली 6 बजे कन्याकुमारी से, डेली चलेगी रेनीगुंटा मालदा टाउन के रास्ते, डिब्रूगढ़ जो है वो तीसरे दिन रात को 22:20 पर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन जो है 7:30 डिब्रूगढ़ से चलेगी मालदा टाउन, रेनीगुंटा के रास्ते कन्याकुमारी 23:50 पर पहुंचेगी। सेकंड जो चेंजेस है वो ये है कि विल बी परमानेंटली डाइवर्टेड वाया धनकुनी, भट्टानगर, खड़गपुर इंस्टेड ऑफ दुर्गापुर, आसनसोल, आद्रा, मिदनापुर एंड हिजली। तो अब ये चेंज आने से क्या होगा कि इसका जो ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा, और दुर्गापुर में पहले इसकी पावर चेंज होती थी, वहाँ पे भी कुछ टाइम वेस्ट होता था, वो भी जब नहीं होगा। और नए जो कॉमर्शियल हाल्ट रहेंगे वो नरखटिया, सिमालगुड़ी, बर्धमान, धनकुनी और खड़गपुर रहने वाले हैं। और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका रूट मैप क्या चेंजेस होगा। रेड कलर से मैंने पुराना रूट दिखाया, जब टॉप से आप नॉर्थ में देखेंगे तो रामपुर हाट है, रामपुर हाट से खड़गपुर के बीच में इसका जो रूट डाइवर्ट किया गया, रामपुर हाट से पहले ये ट्रेन आती थी दुर्गापुर, वहाँ पावर चेंज होती थी, उसके बाद आसनसोल, आद्रा, मिदनापुर और हिजली यानी खड़गपुर के पास से निकलती थी बालासर, कटक और भुवनेश्वर के लिए। अब जो ट्रेन है रामपुर हाट से सीधे आएगी बर्धमान, बर्धमान से ये धनकुनी होते हुए खड़गपुर जाएगी, खड़गपुर के बाद जो है कटक और भुवनेश्वर की जाएगी सेम रूट से। तो ये जो है कुछ चेंजेस जो हैं इसके साथ होने वाले। जब भी ये ट्रेन न्यू टाइम टेबल में लॉकडाउन के बाद चलेगी तो ये ट्रेन डेली चलेगी, एवरेज स्पीड इसकी बढ़ जाएगी 50 से 54 हो गई है, और जो है इसका रनिंग टाइम है वो भी कम होने वाला है, 76 आवर 30 मिनट होने वाला है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।